भ्रम में मत रहिए। इनके ऐसे कारनामे हैं कि जनता अब सुनने को नहीं मिल रही तो प्रेस वार्ता करने में ही दिन भर अपना लगा देते हैं। रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना कहाँ नहीं चलाना। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी सुविधाएं दी गई है इसमें क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति नहीं, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी का क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव 2024 के बस अब दो चरण बाकी हैं। ऐसे में अब तक यूपी समेत जहां जहां चुनाव हुआ है लगभग हर उस राज्य में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 से ज्यादा राज्यों में 150 से ज्यादा प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों में मौजूदगी को दर्ज कराया। विपक्षी गठबंधन इंडिया को बैकफुट पर धकेल कर बीजेपी के लिए जीत के समीकरण सेट करने के पूरे प्रयास सीएम योगी की तरफ से किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ताबड़तोड़ प्रचार अभियान के क्या मायने हैं और इससे बीजेपी के मिशन 400 पार को कितना लाभ मिलता दिख रहा है, आइए जानते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ बहुमत जुटाना भर नहीं है बल्कि 400 पार के जादुई आंकड़े को सच साबित कर एक बड़ी जीत हासिल करना बीजेपी का असली लक्ष्य है। ऐसे में बीजेपी का 400 पार का लक्ष्य न ही सिर्फ यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के सफल हुए बिना पूरा हो सकता है, न ही सीएम योगी आदित्यनाथ के बिना, जिसके चलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी तस्दीक सीएम योगी आदित्यनाथ के देश भर में जारी धुआंधार चुनाव प्रचार में भी देखने को मिलती है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब करीब 50 से 55 दिनों के अंदर यूपी समेत देश में 10 से ज्यादा राज्यों का रुख किया है, जहां सीएम योगी ने करीब करीब 170 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने करीब 130 से ज्यादा जनसभाएं की हैं, 10 से ज्यादा प्रबुद्ध सम्मेलन और रोड शो भी सीएम योगी ने किए हैं। सीएम योगी ने जिन जिन राज्यों का रुख किया है उसमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। सीएम योगी पर बीजेपी का ये भरोसा बताता है कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी के अंदर अगर कोई सर्वमान्य नेता का चयन किया जाए तो उन सर्वमान्य नेताओं की लिस्ट में सीएम योगी सबसे पहले नंबर पर नजर आ सकते हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सीएम योगी का यूपी में अब तक का शासनकाल है और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की सफल कानून व्यवस्था है। और सीएम योगी जहां भी जाते हैं बताते हैं कि कैसे उन्होंने यूपी को माफिया राज से मुक्त कराया है और विपक्ष के शासनकाल पर सीएम योगी सवाल उठाते हैं। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी सुविधाएं दी गई है इसमें क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति नहीं, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी का क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं, ये योजनाएं दी गई है सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ। बहनों और भाइयों, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये योजनाएं देश को दी गई। मैं कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता सुन रहा था और आज भी मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। मुझे आश्चर्य होता है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव प्रचार में लगना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच जाना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे कारनामे हैं कि जनता अब सुनने को नहीं मिल रही तो प्रेस वार्ता करने में ही दिन भर अपना लगा देते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके चलते सीएम योगी की ये नीति पूरे देश में चर्चा में रही है। पीएम मोदी भी मंचों से सीएम योगी की नीति की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। भ्रम में मत रहिए, देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना और देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर व्यक्ति का नहीं नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े सोते होते हैं, हो गए कि नहीं हो गए, इन्होंने कर दिया कि न कर दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है।
सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना कहाँ नहीं चलाना। सीएम योगी के सहारे यूपी में आए बदलाव को बीजेपी कैश करना चाहती है, जिसके चलते ही सीएम योगी को न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में बीजेपी ने प्रचार की अहम जिम्मेदारी सौंप रखी है। सीएम योगी को मिली जिम्मेदारी के पीछे एक अहम कारण ये भी है कि सीएम योगी राष्ट्रवाद और सनातन या फिर यूं कहें कि हिंदू धर्म से जुड़ी बीजेपी की राजनीति के एक प्रमुख चेहरे भी हैं। ऐसे में जब विपक्ष पर बीजेपी एक समुदाय विशेष खासकर मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाती है, तो ऐसे हालात में सीएम योगी का बीजेपी के पक्ष में माहौल सेट करना बीजेपी के देश में मिशन 400 पार के लिए अहम हो जाता है। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी ये जनसभाएं कितनी कारगर होंगी इसका फैसला 4 जून को आएगा, मगर सीएम योगी की जनसभाओं और चुनावी कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ बताती है कि बीजेपी के ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ में दम है और जनता उन पर भरोसा जताती है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।